हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम सिख चैनल और मैं हूं नीलम। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही यूनिक ब्यूटी सीक्रेट लेके आई हूं। ये देखिए, अब आप सोच रही होंगी कि ये मैं आपको क्या दिखा रही हूं। तो ये है आपके लिए बहुत ही यूजफुल पैक, और ये यूजफुल पैक है आपके स्किन के लिए, खासतौर से आपके फेस के लिए। तो ये फेस पैक मैंने बनाया है जिनको कि जैसे ही समर आया, समर में बहुत सारे ज़्यादा ही प्रॉब्लम होते हैं हमारी स्किन पे, आइकन की प्रॉब्लम, टैनिंग की प्रॉब्लम और रिंकल की प्रॉब्लम, साथ ही डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम, क्योंकि धूप पे अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है जिससे कि डार्क स्पॉट आते हैं, और ख़ासतौर से लिप वाले एरिया पर भी हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो ये एक ऐसा पैक है जो आपके इन सारे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाएगा, ये चुटकियों में ये आपके प्रॉब्लम दूर करेगा। तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियोस को मेरे देखने हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है, और ये इजी इंग्रेडिएंट्स है इसमें जो आपके किचन में भी मिलेगा बिल्कुल, और ये 100% नेचुरल है और 100% वर्क करेगा ये आपके स्किन पर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, छोटी सी जो घंटी है उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कोई और प्रॉब्लम हो, कोई पूछना चाहती हैं कुछ और भी, तो आप कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकती हैं, और वीडियो अगर आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही ये जरूर कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखिए कि मैंने क्या इंग्रेडिएंट्स लेके और किचन से क्या क्या चुरा के आपके लिए इतना यूनिक सा फेस पैक बनाया जो आपके लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं आलू, दो आलू लेंगे इस तरह, और इस तरह इसके छिलके उतार लेंगे, और यहाँ मैंने लिया है 2-2.5 इंच यहाँ पे मैंने कुकुम्बर, और इसके छिलके मैंने नहीं उतारे हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको हम सबसे पहले कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह इजली कद्दूकस हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसका पेस्ट बना सकती हैं, बट उससे क्या होगा कि पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में तो उससे इजली ये जो हमारा जूस है वो नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए आप इसको कद्दूकस कर लें। तो ये देखिए, मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब खीरा को भी हम इसी में कद्दूकस करेंगे, जूस दोनों का हम एक साथ ही निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं खीरा को भी इस तरह कद्दूकस कर ले रही हूँ अच्छी तरह, क्योंकि दोनों के हमें अलग अलग जूस तैयार नहीं करने हैं, एक साथ करने हैं, इसलिए आप दोनों को एक साथ कद्दूकस कर लें, और अगर आप चाहें तो आप अलग अलग भी कर सकती हैं। तो ये देखिए, मैंने खीरा और जो आलू है दोनों को कद्दूकस कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि अब इसके जूस को हम बाहर कर लेंगे। अगर आप चाहें तो जूस को आप इस तरह भी बाहर कर सकती हैं, बट ज़्यादा बेटर होगा कि आप इस तरह के चाय का छानने वाला ले लीजिए, और इससे इजी तरीके से जूस जो है वो हमारा बाहर हो जाएगा, और इसको इस तरह प्रेस करते हुए निकाल लें। नहीं तो अगर आपके पास पतला कपड़ा हो कॉटन का, तो उससे भी आप ये जूस को इजी तरीके से बाहर कर सकती हैं। तो ये देखिए, मैंने जूस इस तरह हम निकालेंगे थोड़ा थोड़ा करके इसके जूस को बाहर। तो ये देखिए, इसके जूस हमने बाहर कर लिए हैं। अब इसको हम साइड में हटा लेंगे। अब हमें क्या करना है कि अब इसमें हमें डालना है लेमन का जूस। तो हाफ लेमन का जूस इसमें हम निचोड़ लेंगे। आप बिल्कुल जूसी लेमन लें ताकि उसमें से जूस अच्छी क्वांटिटी में निकल सके, और बिल्कुल हाफ लेमन का जूस इसमें हमें ऐड कर लेना है इस तरह। उसके बाद ये जो हमारा जूस है ये बिल्कुल तैयार है। अगर आप चाहें तो आप इस तरह भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकती हैं, बट इसमें मैं मिलाऊंगी बेसन, थोड़ा सा इसमें बेसन हम मिला लेंगे, क्योंकि हमें पेस्ट तैयार करना है इसका, तो मैं इसमें बेसन मिला लूंगी। देखिए, बेसन की क्वांटिटी इतनी रहे कि आपका जो पेस्ट है वो बहुत ही बारीक बन जाए। तो इस तरह इसको मिक्स कर लेंगे। इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इस तरह।
बेसन को आप उतना ही डालिए जितना में कि इस टाइप का पेस्ट आपका बन के तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना है, बस इस टाइप से बनाना है कि ये आपके फेस पे इजीली अप्लाई हो जाए। तो ये देखें इस तरह कुछ बना लेंगे हम। ये देखें आप चाहें तो आप इसमें एक पिंच हल्दी भी ऐड कर सकती हैं, यानी टर्मरिक पाउडर, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और फेस पे वॉश कर, इसे अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए। आप देख सकती हैं मैंने अपने फेस को अभी क्लीन किया है, क्योंकि इसे अप्लाई करने से पहले आपके फेस पे कोई भी मेकअप नहीं रहना चाहिए, फेस जो है बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए। और इसको अच्छी तरह हम अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। इस तरह अपने पूरे फेस पे हम अप्लाई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप अपने नेक पे भी अप्लाई कर सकती हैं। और ये हमारे फेस पे जब बिल्कुल ड्राई हो जाए, यानी 10-15 मिनट जितना भी डर लगे ड्राई होने में, उतना देर तक आप इसे अपने स्किन पे रहने दीजिए। फिर रोज़ वाटर से आप इसको गीला करके और इस तरह रब करते हुए हम इसको बाहर करेंगे। तो चलिए जब तक सूखता नहीं है तब तक हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे। तो ये देखिए पूरा स्किन सूख गया है। अब इसको हम स्क्रब करने के लिए अपने फेस पे रोज़ वाटर देंगे और रोज़ वाटर को कॉटन से इस तरह गीला करेंगे। कॉटन पर देने से क्या होगा कि जब स्किन पे अपने हम इस तरह अप्लाई करेंगे तो हमारा जो फेस पैक है वो थोड़ा सा गीला हो जाएगा, जिससे कि इजी हम इसको रब कर सकते हैं। इस तरह हमने अप्लाई कर लिया है। इस तरह गीला होने से आपने देखा कि ये जो हमारा पैक था इस पर वो फिर पहले की तरह ताज़ा हो गया था। अब इसको हम धीरे धीरे रब कर सकते हैं इस तरह, हल्के हाथों से रब करने से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सारे प्रॉब्लम दूर होंगे। यहाँ पे हमारे जो रिंकल होते हैं वो भी इसे रिमूव होगा इजली। और इस तरह हल्के हाथों से इसे मसाज करते रहें। आलू को और खीरा को तो हम वैसे सब्जियों के रूप में यूज़ करते हैं, बट इन दोनों का रस हमारे आंखों के डार्क सर्कल को दूर करता है, चेहरे से दाग धब्बे को दूर करता है, झाइयाँ मिटाता है। कच्चे आलू का रस हमारे त्वचा के खुले पोर्स को बंद करने में हेल्प करता है। त्वचा में हमारे बहुत सारे मुहासे, एजिंग की समस्या और कालेपन से छुटकारा दिलाने में खीरा और हमारा आलू बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आलू में मौजूद स्टार्च एक प्राकृतिक ब्लीच एजेंट के रूप में काम करता है। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा आपके फेस पे। साथ ही खीरा टोनर का काम करता है, जो आपके स्किन को डीपली क्लीन करेगा, आपके स्किन से डार्क स्पॉट को हटाएगा, जो आपके स्किन पे झाइयाँ हैं, रिंकल हैं, उन्हें दूर करेगा, टैनिंग की प्रॉब्लम को दूर करेगा, और बेसन आपके स्किन को ब्राइट और फेयर करने में हेल्प करेगा। नींबू एक नेचुरल ब्लीच के रूप में जाना जाता है, तो वो हमारे स्किन के दाग धब्बे को मिटाने के साथ साथ हमारे स्किन को और भी ज़्यादा फेयर करने का काम करता है। तो इसलिए हम इस मिश्रण को अपने स्किन पे लगाते हैं, खासतौर से अगर आपके स्किन पे पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो। अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो ये पैक आपके स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। ये मार्केट की क्रीम से या अन्य किसी क्रीम से सबसे ज़्यादा पिम्पल्स के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो इस तरह देखिए मैंने मसाज कर लिया, अब ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे और इस तरह अपने फेस को एकदम क्लीन कर लेंगे। ये देखिए फेस को मैंने क्लीन कर लिया है, आप देख सकती हैं कि ऊपर से मैंने अभी हटा भी नहीं है, तो कितना क्लीन स्किन लग रहा है। आप साफ देख सकती हैं कितना क्लीन शाइनी स्किन लग रहा है और कोई भी दाग धब्बे नहीं लग रहा। इस तरह हम अपने फेस को क्लीन कर लेंगे, आप देख सकते हैं कि स्किन कितना क्लीन लग रहा है, आप कितना ग्लो कर रहा है स्किन, और साथ ही कोई भी डार्क स्पॉट नहीं है ये देखिए।
और कहीं भी रिंकल आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये 100% बिल्कुल नेचुरल है जो आपके रिंकल को रिमूव करेगा, साथ ही आपके डार्क स्पॉट को रिमूव करेगा, आइकने हटाएगा आपके स्किन से। और आपके स्किन पे यहाँ पे खासतौर से लिप वाले एरिया के पास हमारे जो डार्क स्पॉट होते हैं तो वो बहुत ही बेकार लगते हैं, खासतौर से जब हम डार्क लिपस्टिक अगर लगाए तो ये हमारे जो एरिया यहाँ पे है वो डार्क जो डार्क सर्कल होता है वो साफ दिखता है और बहुत बेकार लगता है। और ख़ासतौर से इसे अगर यहाँ पे बहुत लोगों के रिंकल की प्रॉब्लम हो जाती है, ये देखिए बिल्कुल क्लीन लग रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं भी अच्छे से क्लीन भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ें अगर आप अप्लाई करती हैं तो ये 100% नेचुरल है, आपके स्किन की जो प्रॉब्लम है उसे 100% दूर करेगा। तो ये वीडियो बस इतना ही, और अब आप समझेंगे कि इसे वीक में हम कितने टाइम लगा सकते हैं। तो इसे वीक में आप 2-3 बार लगा सकते हैं। अगर आपको टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, डार्क स्पॉट बहुत ज़्यादा है या पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप डेली इसे 1 बार अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे, और नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर देना है। और आपके फेस पे अगर ये पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले फेस वॉश को आप इग्नोर कर दीजिए, फेस वॉश को स्किप कर दीजिए बिल्कुल कुछ दिनों के लिए, और इस पैक को आप लगाइए तो आपको फर्क नज़र आएगा। ये 100% मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरी स्किन आप देख रही हैं, मैं खुद आजमाती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो इसी तरह नए यूनिक और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक।